तो दोस्तों हम अब कटरा से जा रहे हैं घर की तरफ मुंबई, और ये है बच्चा पार्टी जिसने बहुत इंजॉय किया है। तो हम जानेंगे कि इनको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, तो आप इनके ही जुबानी सुन लीजिए। कृष्णा जी से पूछते हैं पहले उन्हें कैसा लगा। वैष्णोदेवी में हम गए थे शालीमार गार्डन, वहाँ पे बहुत ही मजा आया, हमने वहाँ पे खेले कूदे, बहुत ही मजा आया। फिर अभी आगे का आकांक्षा जी बोलेंगे। आकांक्षा जी यहाँ के फूड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे पिज्जा, मैगी और थाली भी यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ सिर्फ मैदे की रोटी मिलती है, और कोई हमको मंगवाना है तो मंगवा सकते हैं। यहाँ के फूड बहुत अच्छे थे। और आपने क्या क्या खाया, पानी पूरी वगैरह खाया यहाँ का? हमने आलू टिक्की खाई, पानी पूरी खाई, पिज्जा खाया, नूडल्स खाया, थाली भी खाया साथ में। अब आगे का कृतिका दीदी बताएं। हमें यहाँ पे बहुत मजा आया, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ चढ़ना था, यहाँ के लोग बहुत फास्ट चल लेते, हमें आदत नहीं थी इतनी, इसलिए हमें दो दिन लगा ऊपर जाने में, एक दिन और नीचे आने में। तो थर्ड डे हमने बस आराम किया था। तो अगर आपको पटनी टॉप, नत्था टॉप वगैरह घूमना होगा तो उसके लिए 1 वीक चाहिए। आप हमारे जैसे स्लो तो टॉर्टोइस जैसे चलते हो। यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक नया रास्ता है एक पुराना रास्ता है। नए रास्ते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक दिन चढ़ने को लगेगा, दूसरे दिन उतरने को लगेगा। पुराना रास्ते में जाओगे तो 12 घंटे में चढ़ के उतर भी जाओगे। और पुराने रास्ते से जाओगे तो फिर वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है, खाली दुकानें हैं। और नए रास्ते से जाओगे तो वहाँ पर बैठने के लिए बहुत सुविधाएं हैं, पर वहाँ पे सिर्फ जूस ही मिलता है और लंगर भी मिलता है। लंगर भी है उधर, बैठने को सुविधा है। व्यू भी अच्छा है काफी, व्यू भी बहुत अच्छा है। फोटोज वीडियोज लेने के लिए बहुत काम आएंगे वो रास्ते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे बहुत खुश हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा है, और वो लोग काफी इंजॉय किए, और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे 1 वीक के लिए। हाँ, और यहाँ पे देखिए सीजन के हिसाब से प्राइस तो हम कोई भी चीज की नहीं बता सकते, क्योंकि सीजन वाइज है। ऑफ सीजन सब सस्ती मिल जाएगी, ऑन सीजन बहुत महंगी मिलेगी, तो बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। बाकी वो तो हर जगह का ही रूल होता है वैसे भी। बाकी ये है कि हम लोग 3 दिन के लिए आए थे जी। बार्गेनिंग में आपको 300 में भी रूम मिल सकते हैं और 200 में भी मिल सकते हैं। तो ऑफ सीजन में आपको ज्यादा फायदा है। तो ऑन सीजन और ऑफ सीजन में बहुत अंतर होता है। ऑन सीजन में आपको हर चीज महंगी भी मिलेगी और तकलीफ होगी, जो भी बहुत सारी चीजें होंगी वो अलग है। और ऑफ सीजन में बहुत मजा आएगा, ऑफ सीजन में बहुत मजा आएगा, और दर्शन में भी टाइम नहीं लगेगा, हर चीज इजीली हो जाएगी। देखिए बच्चे इतने खुश है। तो हमारे साथ में और एक पर्सन है, वो भी आपको बताएंगे, बाबा जी बताएंगे उन्हें कैसा लगा। और ये बाबा जी का आपने वीडियो देखा था, ये बिना स्वेटर के थे, और वो भी कैसे इन्होंने हैंडल किया था वो बता देंगे सारी चीजें ठंड में भी। नमस्कार, जय माता जी। वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, चाहे कोई भी रास्ते से जाए, नए रास्ते से जाए या पुराने रास्ते से जाए, सबसे पहले बीच में अर्धकुमारी लगता है। अगर अर्धकुमारी आप चल के जाते हो तो जा सकते हैं, लेकिन जूनियर अच्छे से जाओगे तो आपको घोड़ा या पालकी और कुछ मिल जाएगा। और नए रास्ते से जाओगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई साधन नहीं मिलेगी वैसे जाने के लिए, नहीं खाने का और बैठने का, आराम करने का, पीने का। वहाँ पे साधन है, लंगर वगैरह है, और पानी की भी जगह जगह पे प्याऊ अच्छे बने हुए, गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, और बैठने के लिए भी सुविधाएं है अच्छी खासी। अब जूनियर अच्छे से जाओगे तो आपको बैठने की सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक से नहीं है। आपकी दुकानें वगैरह है वहाँ पे काफ़ी, और रास्ते बराबर नहीं, यहाँ पे घोड़े और पालकी और सब जाती जाते हैं, तो आपको दिक्कतें भी हो सकती है चलने के लिए, और वहाँ पे बदबू भी मारती है सब घोड़ों की सब जाने की वजह से।